दोस्तों, मैं निर्मल बाइक रिपेयर, आपको सामने पल्सर टीसाई 150 सिस्टर गियर के टाइमिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे टाइमिंग मिला जाती है इसकी। दोस्तों, ये पल्सर टीसाई में एक ऐसा पार्ट है ये वाला, जो सेटिंग करने से ही गाड़ी बढ़िया चलती है। अगर सेटिंग ख़राब हो जाए तो ये वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसकी टाइमिंग के बारे में बताऊंगा, टाइमिंग कैसे मिलाई जाती है। दोस्तों, ये इसका कूलर है और इसको किस तरीके से टाइमिंग मिलाई जाती है। दोस्तों देखो, दोस्तों इसको इस तरह डालना है, आसान काम है, ज़्यादा कठिन काम नहीं है। दोस्तों, ये इसको बस हल्का सा ऐसा ही घुमाना है दो बारी। पहला ये चला गया अंदर, दो बारी घुमाने से, ज़्यादा घुमाने से इसका वाइब्रेशन आउट हो जाती है और सह सह की आवाज़ शुरू हो जाती है। दोस्तों, ज़्यादा नहीं घुमाना चाहिए इसको, इस तरफ घुमाया है और इस गाड़ी को भी इस तरह घुमाना है। यही इसकी टाइमिंग है। देखो दोस्तों, ये चीज़ है, इसको ऐसे ही घुमाना है, कोई कठिन काम नहीं है। दोस्तों, इसी का सारा खेल होता है पल्सर में। अगर ये सेटिंग सही नहीं बैठे तो वाइब्रेशन शुरू हो जाती है गाड़ी के अंदर। और दोस्तों, फिट करते समय एक सिमियाँ लगती है, एक सिमियाँ लगती है, और नंबर वन की टॉप में मिलाकर ही इसको फिट कीजिए। टॉप पर मिलाने के बाद इसके साथ में ग्राई लगती है, उसको सेटिंग कीजिए, और साथ में क्रैंक की जो ग्राई होती है टॉप मोड पर चला के फिर सेट कीजिए। ज़्यादा कठिनाई का काम नहीं है सर। दोस्तों, ये सरल काम है, इसी से गाड़ी की वाइब्रेशन ख़त्म हो सकती है आपकी। अगर ये सेटिंग सही नहीं बैठेगी तो गाड़ी की वाइब्रेशन खड़ी गाड़ी पे भी झटके मारेगी, और चलते से गियर लगाया वैसे उठाया तभी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये मुझे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखाता रहूँ। जय हिंद।